હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. સલમાન ખાનની ભારત ફિલ્મ ઈદના દિવસે દેશભરમાં રિલીઝ કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મમાં ખાસ કરીને એક નાની બાળકીએ ભૂમિકા ભજવી છે. આ નાની બાળકી સુરતના ભેંસાણ રોડ પર આવેલી લક્ષ્મી વિલાસ સોસાયટીમાં રહે છે. 4 વર્ષની કેવીના મનીષ ટાંક સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં સિનિયરમાં અભ્યાસ કરે છે. નાનપણથી જ કેટવોક અને મોડેલિંગનો શોખ હોવાથી દર વર્ષે મુંબઈમાં અનેક કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે જાય છે, જેના ભાગરૂપે ભારત ફિલ્મમાં 300 જણાના ઓડિશનમાં કેવીના સિલેક્ટ થઈ હતી. ત્યારબાદ ભારત ફિલ્મમાં કામ કરી સુરતનું નામ રોશન કર્યું છે. હોલીવુડ અને હિન્દી સિરિયલમાં કામ કર્યું છે અને તે આવતા મહિને રિલીઝ થવાની છે. अच्छा दिखरा, स्कूल का नाम क्या है? अच्छा दिखरा, अभी कौन सी फिल्म में आपने काम किया है? कितने दिन का शेड्यूल था? कितने दिन का शूटिंग किया था? अच्छा फिल्म में और कलाकार कौन कौन है? किसके साथ मूवी में काम किया है आपने? अच्छा अभी आपका किरदार क्या था? आपका फिल्म में नाम क्या है और किस हिसाब से काम किया आपने? कैसा लगा? अच्छा लगा। आपका नाम और आपका परिचय? मेरा नाम शुभम मनीष टाक है और मेरे हस्बैंड एलएनटी हजीरा में जॉब करते हैं। आपकी बेटी का अभी फिल्म रिलीज हुआ है भारत, किस हिसाब से उसको काम मिला और आगे क्या फ्यूचर में काम करने जा करवाने के लिए आपने सोचा है और किस हिसाब से आपने मेहनत किया कि ये इतनी छोटी कम उम्र में फिल्म का काम फिल्म में काम मिला उसको? ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अच्छा डांस करती है, अच्छे से सबसे बात करती है, इस वजह से हम लोगों को लगा कि इसको एक्टिंग लाइन में ले जाना चाहिए। इस वजह से हम लोग मैं इसको जब से 2 साल की थी तब से मैं बॉम्बे लेके जाती थी। धीरे धीरे मेरी अच्छी जान पहचान हुई। कोऑर्डिनेटर हमारी शोभा मैडम, उन्होंने हमारे को ये भारत मूवी ऑफर कर के लिए ऑडिशन के लिए भेजा। वहाँ इसका कई बच्चों का ऑडिशन हुआ, उसमें इसका भी सिलेक्शन ऑडिशन में हुआ, उसमें इसका सिलेक्शन हुआ। पहले किस हिसाब से उनको फोटो सेशन वो सब करवाया था, वो कैटलॉग करती थी, वो सब करती थी, तो किस हिसाब? वो तो हम लोगों ने पोर्टफोलियो बनाया, छोटे कुछ बड़ी ब्रांड्स वगैरह के कैटलॉग्स वगैरह करती थी, फिर धीरे धीरे अच्छी जान पहचान हुई वहाँ पे। इसके अलावा इसने एक इंटरनेशनल मूवी करी है जो फॉरेनर्स के साथ में करी है और डायरेक्टर भी बाहर आउट ऑफ कंट्री का, ये कुवैत का डायरेक्टर। वो रिलीज हो गई है, होने वाली है, अक्टूबर में रिलीज होगी। क्या नाम है उसका? Who am I? उसके अलावा क्या प्रोजेक्ट में अभी काम कर रहा है? ये ALT की बॉस वेब सीरीज आ रही है, उसमें भी ये करण सिंह ग्रोवर की डॉटर का रोल करती है, तो उसमें इसका काफ़ी अच्छा रोल है। और उसके अलावा अभी इसका रिसेंटली सीरियल आ रहा है NTV पे, जागना पूछो प्रेम की, तो उसमें भी ये काम कर रही है। पढ़ाई में और फिल्म दोनों में किस हिसाब से बैलेंस रखती है बच्ची? अभी तो बहुत छोटी है। पढ़ाई के लिए ये वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, स्कूल वाले भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हमारे पास में यहाँ 7 स्टेप स्कूल है जिसमें रामदेव में, जिसमें ये पढ़ाई करती है। स्कूल की प्रिंसिपल टीचर वगैरह इसका बहुत ध्यान रखते हैं। उसके अलावा जैसे मैं खुद पढ़ाती हूँ इसको, ट्रेन में जाते वक्त आते वक्त ये ओरल करती है, घर पे जैसे ही टाइम मिलता है डेली इसको पता रहता है कि पढ़ाई करनी, क्योंकि इसका शूटिंग वगैरह जाना आना रहता है, तो इसने डेली 2 घंटे फिक्स कर रखे कि मैं पढ़ाई करूँगी।